क्लासिक जीटी कॉन्टिनेंटल 535, इसमें सेल्फ प्रॉब्लम है, दिखा रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये लोड ले रहा है, ये साउंड सुन के समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये क्लच कवर खोलेंगे। ठीक है, क्लच कवर खोलने के बाद इसको लगाएंगे अपन। ये क्लच कवर खोलने के लिए गियर लीवर खुलेगा, ये चारों बोल्ट यहाँ के चारों तरफ के बोल्ट। ठीक है, और ये क्लच खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग खोल देते हैं, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट निकल के बाहर हो जाएगा। इसको खोल के आपको दिखाते हैं। चलिए खोलना चालू करते हैं। इसमें ये 10 नंबर की टी रिंग गियर लीवर में लगेगी, ये ढीला हो गया, इसको निकाल लें यहाँ से। ऐसे बोल्ट पूरा ही खोल लें, उसको लगाने से पहले तगाड़ी लगा लें नीचे, क्योंकि ऑयल ड्रेन भी होता है थोड़ा बहुत। इसको आगे पीछे करके ऐसे धीरे धीरे खोल दीजिए, ये खुल गया। ठीक है, इसको नीचे ऐसे लगा दीजिए। इसके बाद ये 8 नंबर की होती है गोटी, इसको खोलना चालू करते हैं। लेफ्ट क्लॉकवाइज, वायर सर पकड़ना है इसको, मोबाइल पकड़ लो 2 मिनट। मिस्त्री की गाँव भाई, मिस्त्री लिखा दो इधर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, जल्दी आओ, खोलना चालू। ऑयल गिरना भी चालू हो गया, दिख रहा होगा ऑयल, ऑयल गिरना चालू हो गया। ठीक है, ऑयल आपको बर्बाद ना हो इसलिए यहाँ पे पहले से तगाड़ी लगा दीजिए, ज़्यादा सेफ होता है। सना जल्दी लगा इंडिकेटर उसमें। सारे स्क्रूज खुल गए नीचे के भी। ठीक है, अब इसके बाद करना है क्या, इसको खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, फिर क्लच लीवर लीजिए, दबा दीजिए। ठीक है, ये दबा दिए, पैसा ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लीजिए ना, पूरा ऑयल ड्रेन हो जाने दीजिए जितना गिर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लॉकिंग होती है, देखिए। ठीक है, धीरे धीरे इसको खींचना है और यहाँ पे लॉकिंग है। ठीक है, ये निकलना चालू। ठीक, एक सिस्टम इधर, दूसरा सिस्टम इधर। ठीक है, देन फिर से इधर, अब इसको बन ही नहीं रहा है मुझसे, रुको आई विल ट्राई, खोल के दिखाता हूँ आपको आगे। खुल गया है, यहाँ नीचे भी एक लॉक रहते, ये ढूंढा तो सब दिखा नहीं, तो ये धीरे धीरे आगे कर लीजिए। ठीक है, ये निकल के देखिए,
यहाँ पर सिर्फ बैरिंग की प्रॉब्लम है, बैरिंग की प्रॉब्लम असल में यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ये खोलेंगे, इसको पहले निकाल लीजिए, ठीक। बैरिंग निकालने के बाद एक ये वॉशर रहता है, इसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट ये जो है, ठीक है, ये ख़राब है नट, ख़राब नहीं है मतलब खोलना पड़ेगा, सॉरी ये खोलना पड़ेगा। ये दोनों नट खोल लेते हैं, ये दोनों एक साथ ऐसे बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों ऐसे बाहर कर लेंगे, बाहर करने के बाद कि बैरिंग खोल के आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। दोनों नट हमने खोल लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे, देन इसको थोड़ा सा आगे, ठीक। अब कैसे बताऊँ, जय हिंद जय भारत। चलो ये निकला एक वॉशर, ठीक है, ये एक वॉशर दूसरा, इसको पकड़ के उठा के बाहर कर लीजिए ऐसे, ये हो गया बाहर, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, प्रॉब्लम इसमें होती है, ठीक है। ये इसको यहाँ से क्लच चैन बोलते हैं, इसको क्लच चैन से निकाल लीजिए। और प्रॉब्लम ये है, ये बैरिंग, ठीक है, ये बैरिंग जो है, अब इसको खुल्ला सिमसिम करेंगे, क्या करेंगे, खुल्ला सिमसिम, ये पूरी जाम हो गई, ये देखिए निकल ही नहीं रही, इसको आसानी से निकल जाना चाहिए। ये ऑलरेडी इसमें तेल होता है, लेकिन इतनी जाम इसलिए हो रही है क्योंकि इसका इंजन ऑयल जो है वो ख़राब था, इन्होंने चेंज नहीं करवाया। ये क्लियरिटी तो साफ है, लेकिन इसका जो लुब्रिकेशन वो ख़त्म है ना। तो ये अपन चालू करते हैं, इसको खोलना, ठोक ठोक के इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बैरिंग देखिए ना आगे हो रही है ना पीछे हो रही है, ठीक है। इसको एक साइड प्ले होना चाहिए, फ्रंट प्ले नहीं होना चाहिए, रिवर्स में प्ले होता है, ये फ्री होता है, जाम हो गया है पूरा, ये देखिए ना निकल ही रहा है, ठीक। तो इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको दिक्कत क्या है। इसके छर्रे पूरे देख सकते ही कट गए हैं, ठीक। ये आवाज़ आ रही होगी, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए बैरिंग में, ठीक। अब इसको अपन नया डाल के डायरेक्टली पैक कर देते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये हमने डाल दिया, ठीक है, सैंपल के लिए भी दिखाने के लिए। ये देखें, ये पीछे फ्री चल रहा है, रिवर्स गियर, ठीक है। ये फ्रंट जो है, ये फ्रंट एकदम फुल टाइट चल रहा है ना, ये अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये घूमेगा, इसको ये देखिए, इसको पीछे घुमाऊँगा तो ये पूरा घूमेगा, ये फ्री होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, दिख रहा है। पहले तो पूरा जाम हो गया था ये ऑयल ना होने की वजह से, या फिर जो भी रीजंस हो पता नहीं। इसको वापस पैक करते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं। लेने गए तो नया मिला नहीं है बैरिंग, तो इसका जुगाड़ क्या है, शॉकअप की ऑयल सील होती है, ठीक है, ऑयल सील के अंदर स्प्रिंग होती है, दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं। ये शॉकअप ऑयल सील है, ठीक है, इसकी स्प्रिंग दिखाने के लिए ये दिखाता हूँ। ये देखिए स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग आप इसमें लगा दीजिए, और दूसरी ये पुरानी स्प्रिंग इसको निकाल दीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, ये जो आवाज़ फिर आपको दिखाए थे थोड़ी देर पहले, तो वो क्या होगी, इसमें टाइट हो जाएगी, टाइट होने से ये हो सकता है आ जाए। चलिए ट्राई मार के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। गाड़ी कंप्लीट हो गई, सेल बैरिंग लगा दिए हैं, ठीक है, चालू करके देखते हैं था। बैरिंग में स्प्रिंग लगा के टाइट कर दिया, सिर्फ 5 रुपये में सेल्फ बैरिंग की प्रॉब्लम खत्म। चलिए बाय 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 बाय, चला जाए।